दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम की जीत के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने दिया रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह और संजू सैमसन पर दिल जीत लेने वाला बयान। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए अंतिम वनडे मैच में भारत को जीत मिली। ऐसे में भारतीय टीम की सीरीज जीत के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस बीच वसीम अकरम, रमीज राजा से लेकर इंजमाम उल हक शोएब अख्तर ने अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह और संजू सैमसन की तारीफ करते हुए एक ऐसा दिल जीत लेने वाला बयान जारी किया जो आपके भी दिल को छू लेगा। तो आखिरकार भारतीय टीम की जीत के बाद पाकिस्तान के तमाम दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन, साई सुदर्शन और रिंकू सिंह में से कौन है भारत का सबसे खतरनाक युवा बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए अंतिम वनडे मैच में भारतीय टीम को शानदार जीत मिली है। इस मैच में भारतीय टीम ने जीत के साथ सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। ऐसे में भारतीय टीम की जीत के कई बड़े खिलाड़ी रहे हैं। आपको बता दें, इस मैच के अंदर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 296 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना दिए और इसका पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और पूरे 50 ओवर खेलने से पहले ही ऑल आउट हो गई। ऐसे में भारतीय टीम को मिली जीत के बाद संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह और रिंकू सिंह को लेकर पाकिस्तान के दिग्गजों ने बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंतिम मैच में जीत के साथ सीरीज को अपने नाम किया। उन्होंने बता दिया है कि वो किसी भी देश में सीरीज जीतने के लिए सक्षम है। भारतीय टीम की तरफ से इस मैच में संजू सैमसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और उन्होंने बेहतर बल्लेबाजी करते हुए सभी को बताया है कि वो अपने बेहतर प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम को आसानी से जीत दिला सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि संजू सैमसन अगर आज के मैच में बेहतर बल्लेबाजी नहीं करते तो शायद भारतीय टीम 200 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती। ऐसे में मेरे अनुसार तो भारतीय टीम की जीत के हीरो संजू सैमसन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही बड़े स्कोर की बड़ी नींव रखी थी। तो वहीं रमीज राजा ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंतिम मैच में बेहतर प्रदर्शन किया है। इस मैच में संजू सैमसन भारत की जीत के हीरो रहे हैं। अगर संजू सैमसन अपने करियर का पहला शतक आज के मैच में नहीं लगाते तो शायद भारतीय टीम 296 के बजाय 196 रन बनाकर ढेर हो सकती थी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मैच के अंदर संजू सैमसन अकेले ऐसे खिलाड़ी थे जो काफी ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहे थे और यही कारण था कि संजू सैमसन ने अपने प्रदर्शन के दम पर विरोधी टीम के गेंदबाजों को परेशान करके रखा। अन्यथा संजू सैमसन को परेशान करने का कार्य अफ्रीका की टीम आसानी से कर सकती थी, लेकिन मेरे लिए तो इस मैच में जीत के असली हीरो संजू सैमसन ही रहे हैं। तो वहीं इंजमाम उल हक ने बयान देते हुए कहा कि भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंतिम मैच में जीत मिलने के साथ सीरीज को जीतने का मौका मिला है। इस मैच में भारत ने जीत के साथ बता दिया है कि वो भारत को आसानी से जीत दिलाने का कार्य कर सकते हैं। इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से संजू सैमसन ने काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी की है, जिसके चलते भारतीय टीम ने इस मैच को अपने नाम किया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मैच के अंदर अगर संजू सैमसन अपना शतक नहीं लगाते तो शायद भारतीय टीम को बड़ा लक्ष्य नहीं मिलता, पर भारतीय टीम के गेंदबाज इस मैच को अपने नाम नहीं कर पाते। ऐसे में मेरे अनुसार तो भारतीय टीम की जीत के असली हीरो बेहतर बल्लेबाज संजू सैमसन ही रहे हैं। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंतिम मैच में आसानी से जीत हासिल की है। इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से जीत के असली हीरो संजू सैमसन रहे हैं, क्योंकि अगर वो अर्धशतक नहीं लगाते तो शायद गेंदबाजों को फायदा नहीं मिलता। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस तरीके से भारतीय टीम की गेंदबाजी काफी ज्यादा बेहतर अर्शदीप सिंह के चलते हुई है। अर्शदीप सिंह ने आज के मैच में एक बार फिर से सभी को बता दिया है कि वो टीम के एक ऐसे गेंदबाज है जो भारतीय टीम को जीत दिलाने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप भी संजू सैमसन को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, संजू सैमसन के तूफानी शतक के बाद आया टोनी और मार्करम का तूफान। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए अंतिम वनडे मैच में संजू सैमसन के तूफानी शतक के बाद टोनी और कप्तान मार्करम ने बाकी बल्लेबाजों के साथ मिलकर मैदान पर इस कदर कहर बरसाया जिसके चलते मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई और अंतिम गेंद तक ये कह पाना मुश्किल हो गया कि इस मैच में कौन सी टीम जीत हासिल कर पाएगी। तो आखिरकार कैसे संजू सैमसन के तूफानी शतक के बाद अफ्रीका के बल्लेबाज ने मैच को रोमांचक बनाया, ये तो आपको बताएंगे। साथ में इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट भी आपको जरूर दिखाने वाले हैं। तो उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और अर्शदीप सिंह में से कौन है इस भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैच के वनडे सीरीज का अंतिम और निर्णायक मैच आज पर्ल के बोलैंड पार्क क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर इस मैच में अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान भारतीय टीम 2 बदलाव के साथ आई, जहां पर रजत पाटीदार को डेब्यू करने का मौका मिला। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए सुदर्शन और रजत पाटीदार आए। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाने का कार्य किया, लेकिन इसी बीच 5 ओवर में 34 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका लग गया। इस दौरान बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे बर्गर ने अपना पहला मैच खेल रहे रजत पाटीदार को 16 गेंद पर 3 चौके 1 छक्के की मदद से 22 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन मैदान पर आए। इस दौरान
संजू ने टीम को संभाला तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे सुदर्शन आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 16 गेंद के अंदर एक चौके की मदद से मात्र 10 रन बनाने के बाद हेंड्रिक्स की गेंद पर LBW आउट हुए। हालांकि इन्होंने फैसले को चुनौती देकर DRS लिया, लेकिन एम्पायर कॉल होने के कारण इनको कुछ खास फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान KL राहुल मैदान पर आए, जहां पावर प्ले की समाप्ति तक 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर भारत ने बना दिए। इस दौरान 19 ओवर में दोनों के बीच 51 रन की साझेदारी को मल्डर ने तोड़ दिया, जहां पर उन्होंने कप्तान KL राहुल को 35 गेंद पर 2 चौके की मदद से 21 रन बनाने के बाद विकेटकीपर हेनरिक क्लासेन के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए टीम को संभालने के लिए तिलक वर्मा मैदान पर आए। हालांकि 101 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद तिलक वर्मा ने संजू के साथ मिलकर टीम को संभाल लिया। इस दौरान 28 ओवर में संजू सैमसन ने 66 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं आगे तूफानी बल्लेबाजी करते हुए भारत को मजबूत स्थिति में ले जाने का कार्य किया। लेकिन इसी बीच 41 ओवर में तिलक वर्मा ने 75 गेंद पर अपना पहला अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं 42 ओवर में केशव महाराज ने 116 रन की साझेदारी को तोड़ दिया। इस दौरान उन्होंने अर्धशतक लगाकर खेल रहे तिलक वर्मा को 77 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 52 रन बनाने के बाद मल्डर के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने रिंकू सिंह आए, जिन्होंने आती तूफानी बल्लेबाजी की, तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन ने 44 ओवर में 110 गेंद पर अपना पहला शतक पूरा किया। लेकिन इसी बीच विलियमसन ने 46 ओवर में संजू सैमसन को शतक लगाने के बाद 114 गेंद पर 6 चौके और 3 छक्के की मदद से 108 रन बनाने के बाद हेंड्रिक्स के हाथों कैच आउट कराते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने अक्षर पटेल आए, जो कि 47 ओवर में 3 गेंद पर 1 रन बनाने के बाद हेंड्रिक्स की गेंद पर मल्डर के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बैटिंग करने वॉशिंगटन सुंदर आए, जो कि 49 ओवर में हेंड्रिक्स की गेंद पर बाउंड्री पर खड़े मार्करम के हाथों 9 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 14 रन बनाकर कैच आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने अर्शदीप आए, तो वहीं मैच के अंतिम ओवर में बर्गर ने बाउंड्री पर खड़े हेंड्रिक्स के हाथों रिंकू सिंह को कैच आउट कराया। इस दौरान रिंकू सिंह ने 27 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 38 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आवेश खान आए, जो कि 2 गेंद पर 1 रन बनाकर नाबाद रहे, तो दूसरी तरफ से अर्शदीप सिंह ने 2 गेंद पर 1 छक्के की मदद से 7 रन का योगदान दिया और भारतीय टीम ने 296 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए, जहां पर हेंड्रिक्स ने 3 और बर्गर ने 2 विकेट लिए। वहीं मल्डर महाराज और विलियम ने 1-1 विकेट हासिल किया, तो वहीं लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसी साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए टोनी दे जॉर्जी और रिसा हेंड्रिक्स आए, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत मुकेश कुमार ने की। इस दौरान उन्होंने अपने पहले ओवर में मात्र 2 रन दिए, तो वहीं दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंह आए, जिन्होंने अपने पहले ओवर के अंदर 6 रन दिए। हालांकि दोनों बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, जिसके चलते गेंदबाजी में बदलाव करना पड़ा और 5 ओवर में गेंदबाजी करने आवेश खान आए, जिसके सामने 2 चौके की मदद से 9 रन आए। हालांकि 7 ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम ने 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया। हालांकि अब दोनों बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके चलते कप्तान को गेंदबाजी में बदलाव करना पड़ा और 8 ओवर के अंदर स्पिन गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, जहां पर उन्होंने पहले अपने ओवर के अंदर 4 रन दिए, तो वहीं 9 ओवर में अर्शदीप सिंह ने 59 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका दे दिया। इस दौरान उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए रिसा हेंड्रिक्स को 29 गेंद पर 3 चौके की मदद से 19 रन बनाने के बाद विकेटकीपर KL राहुल के हाथों कैच कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वेंडर हुसैन आए, जहां पर पावर प्ले में 62 रन 1 विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका की टीम ने बना दिए, तो वहीं 13 ओवर में अपना पहला ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने वेंडर हुसैन को 17 गेंद पर मात्र 2 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान एडन मार्करम आए, जिन्होंने टीम को संभाला और इसी के साथ 20 ओवर की समाप्ति तक 95 रन 2 विकेट के नुकसान पर अफ्रीका की टीम ने बना दिए। और जैसी बल्लेबाजी चल रही थी, उसे देख लग रहा था कि अफ्रीका की टीम अंत तक मैच को ले जाएगी, लेकिन भारतीय टीम इस मैच को अपने नाम करेगी।